जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अवयव का जोर, उसका अंतर और उसका गुना, इस पर कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए। एक वीडियो में हम आपको इसका जोर, इसका जो अंतर है, दो अवयव का अंतर और फिर उसका गुना, ये सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम सिर्फ इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे वीडियो खत्म होगा आप पीडीएफ जाकर लोड कर लीजिएगा, आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोड करके और बारी बारी से क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। जितने प्रश्न आपको दिए गए हैं सारे के सारे प्रश्न आपको बनाना है। बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न आपको दिया गया है, टोटल क्वेश्चन केसी सिन्हा, एनसीईआरटी और भारतीय भवन का क्वेश्चन है, ठीक है। सबका मिक्स क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसका अलग अलग टाइप होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल और काफी अलग टाइप का है, एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर कि यदि आप जोर बनाते हैं, जोर, दो अवयव को आपस में जोड़ते हैं, तो इसके लिए हम आपको बता दिए थे कि सबसे पहली चीज जोड़ेंगे तब जब दोनों अवयव की कोटि समान होगी। क्लियर है? दो अवयव को आप तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों की कोटि समान होगी। दूसरा बात कि दो अवयव को तभी आप एक दूसरे में से घटा पाएंगे, यानी उसका अंतर तभी आप निकाल पाएंगे जब दोनों की कोटि समान होगी। ये उसके जोर और उसके अंतर की बात है जो आप लोगों को बता दिया गया है पहले। तो पहले हम इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, क्या कहता है कि यहां ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, सी बराबर दिया गया है, ठीक है। एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, एक अवयव सी है और आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जोर का हो, घटाव का हो, इसी टाइप का प्रश्न होगा। तो सबसे पहली चीज कि यदि आपको कह रहा है कि दोनों को जोड़िए, तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि समान होगी। तो पहले देखिए, इसका कोटि कितना है? ये आपका दुगुने दो कोटि का है। इसकी कोटि क्या है? ये भी दुगुने दो कोटि का है। इसकी कोटि क्या है? ये भी दुगुने दो कोटि का है। इसका मतलब है कि इसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक सवाल हम यहां करते हैं, ए प्लस बी। सबसे पहली चीज तो ए का लिखिए, दो चार तीन दो प्लस बी का जो मान है लिखिए, एक तीन माइनस दो और पांच। अब कह रहे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने का कंडीशन आपको बताए थे कि संगत अवयव को संगत अवयव में ही जोड़ना है। अब संगत क्या है, तो इसके लिए भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे कि जब आप पहला को उठाकर दूसरा पर रखेंगे या दूसरा को उठाकर पहला पर रखेंगे, तो जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वही उसका संगत कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब इसको उठाकर इस पर रख रहे हैं तो कौन किसके सामने जाएगा? दो के सामने एक जाएगा, यानी दो और एक को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? देखिए सिंपल है, तीन। चार और तीन कितना हो जाएगा? सात। यहां देखिए तीन, लेकिन यहां माइनस है तो घटेगा, तीन में से दो घट के कितना हो जाएगा? एक। ये बहुत सिंपल चीज है। पांच और दो कितना हो जाएगा? सात। क्लियर है? ए प्लस बी निकल गया, किसी को दिक्कत? ए प्लस बी निकल गया, ठीक है। अब कह रहे हैं ए माइनस बी, कोई बात नहीं, दो चार तीन दो माइनस कितना? बी का मान यहां पर रख दीजिए, एक तीन माइनस दो पांच, यही तो है बी का मान है। अब कह रहे हैं दोनों को आपस में घटा लेना है, यानी अवयव ए में से अवयव बी के अवयव को घटाना है, संगत अवयव को संगत अवयव में से, यानी दो में से एक घटाना है, यही तो करना है ना। देखिए ना, दो में से एक घटाना है तो कितना होगा? एक। अब यहां चार में से तीन घटाना है तो कितना होगा? एक। यहां देखिएगा तीन, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस, तो तीन और दो कितना हो जाएगा? पांच। चिन्ह का ध्यान रखना है, दो में से पांच घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस तीन, ठीक है। अब यदि आप जोर और घटाव नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना तो आसानी से कर सकते हैं, जोर घटाओ, तो ये हो गया आपका। अब देखिए क्या कह रहा है कि 3a माइनस c, यानी आपका सवाल है, पहले तो तीन को बाहर रखिए, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे ही करना है, तीन को बाहर रखना है, उसके बाद a का मान,
दो चार तीन दो माइनस सी का मान, वहां है सी का मान, यहां पर देख लीजिएगा माइनस दो पांच तीन चार, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यह सवाल आपका कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तीन से इस अवयव में गुना करना है, ठीक है। तो गुना करने के लिए आपको बताए थे कि किसी एक में गुना नहीं करना है, जब किसी कांस्टेंट से किसी अवयव में गुना करेंगे तो उसके प्रत्येक अवयव में आपको गुना करना है। तो यहां जब गुना करेंगे कितना होगा, तीन दूना छ, देख लो बाबू छ, चार तीय बारह, इसके बाद तीन तीय नौ, इसके बाद तीन दूना छ माइनस कितना आ जाएगा, यह माइनस माइनस अभी तो रहने दीजिए, माइनस दो पांच तीन चार, क्या करना है घटा देना है। चलो बाबू घटाओ, आसानी से घटाइए, देखिए छ और यहां माइनस फिर यहां माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी छ और दो कितना हो जाएगा आठ। अब क्या करना है, बारह में से पांच घटाना है, तो कितना होगा, बारह में से पांच घटेगा यानी सात, नौ में से तीन घटेगा तो कितना हो जाएगा छ, अब देखिए छ में से चार घटेगा तो कितना हो जाएगा दो, हो गया बन गया सवाल। कितना आसान है, कितना आसान है सवाल, कि आराम से बन जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब एक चीज यहां पर क्या कर रहा है कि अब कह रहा है ए और बी को गुना करना है, तो गुना के टर्म में अब हम चलते हैं इसके बाद। पहले चीज तो आपने जोड़ और घटाव आसानी से सीखा या नहीं सीखा, क्योंकि सवाल आपको खुद बनाने हैं, क्वेश्चन आपको खुद करना है, हम इसके बाद आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, क्वेश्चन आपको खुद करना है, खुद से क्वेश्चन बनाना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाना है आपको। यदि किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप से हमें मैसेज करेंगे तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा वक्त लग सकता है, मिलेगा जरूर लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। तो हो सकता है कि सभी के सवालों का एक दिन कलेक्शन लेकर हम आपके बीच आ जाए, ऐसा संभव है, ठीक है। हाँ, तो आपको अब हम ले चलते हैं इसके गुना में कि गुना कैसे करना है। चलिए गुना में लेके चलेंगे, उससे पहले हम इसको करेंगे साफ ताकि बोर्ड पूरा भर चुका है। देखिए अगला भी आपको निकालना है ए और बी का मान, यानी ए बी का मान, ए और बी को गुना करना है आपस में। गुना करने के लिए आपको बता दिए थे कि जितना जितना इसके पंक्ति में अवयव है उतना ही इसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, तभी आप गुना कर पाएंगे। गुना करने के लिए बहुत बड़ा कंडीशन है, वीडियो में टोटल आपको बता दिए हैं कि कब गुना कर सकते हैं, कब नहीं गुना कर सकते हैं, गुना करेंगे तो कितना कोटि का होगा, कब, मतलब ये सारी चीजें आपको बता दी हैं, ऐसे विशेष कुछ जानने की जरूरत है नहीं। हम सीधा सीधा आपको ये बताते हैं कि जितना इसके पंक्ति में अवयव है उतना ही इसके स्तंभ में अवयव होगा, तभी आप गुना कर पाएंगे, अन्यथा गुना नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद कर लीजिए, ख्याल कर लीजिए, जैसे भी जो करना है कर लीजिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप गुना नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसके पंक्ति में भी दो अवयव है, इसके स्तंभ में भी दो अवयव है, आसानी से गुना कर पाएंगे आप। गुना करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एक बार आपको एक पंक्ति को पकड़ना है, पंक्ति नंबर वन को पकड़ना है, एक बार में पंक्ति नंबर एक को पकड़ना है आपको, ठीक है। पहली पंक्ति को पकड़ना है, ऐसे करके पकड़ लीजिए और यहां से लेके जाइए, यहां घुमा दीजिए, ऐसे यहां से इसको पकड़ लीजिए और यहां लेके जाइए, ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। तो चलिए घुमाने के बाद जो जो जिसके सामने जाएगा उसको उसी के साथ गुना करना है, विथ उसका जो साइन है वो लेकर। तो यहां देखिए दो को एक से गुना करेंगे, जब इसको उठाकर यहां लेके जाएंगे और ऐसे रख देंगे, मान लीजिए कि इसको यहां से उठाए, ऐसे ऐसे करके उठाए और समझिए कि इसमें चिपक गया दोनों, यहां से लेके गए और यहां घुमा दिए, तो क्या आएगा, दो जाएगा एक के पास और चार जाएगा माइनस दो के पास। तो जब दो को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, दो होगा, यहां भी प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, चार दूना कितना हो जाएगा आठ, ठीक है। ये क्रिया आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि इसका कॉलम खत्म ना हो जाए। तो अभी एक ही कॉलम के साथ हुआ है, अब दूसरे कॉलम के साथ फिर वही क्रिया, इसको यहां से ऐसे उठाएंगे और यहां ले जाकर ऐसे घुमा देंगे, यहां से ऐसे उठाएंगे और यहां ले जाकर ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो दो कहां जाएगा, तीन के पास, दो कहां जाएगा, तीन के पास, यानी तीन दुना छ और यहां प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, पांच को चार से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बीस, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब तो इधर कॉलम नहीं है, नहीं नहीं
तो जब कॉलम खत्म हो जाएगा तो इसका काम खत्म हो जाएगा, अब दूसरे को पकड़ना है, फिर वही क्रिया करना है। देखिए यहां से इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे और यहां पर ले जाके इसको ऐसे घुमा देंगे, तो क्या होगा, एक जाएगा तीन के पास, यानी तीन को एक से गुना करेंगे तो तीन, ये प्लस माइनस, माइनस दो दुनी चार। इसके बाद फिर देखिए, फिर इसको उठाएंगे और इस पर लाके ऐसे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, तीन तियाई नौ, और फिर हो जाएगा प्लस पांच दुनी दस। जो आपका चिन्ह है वैसा ही क्रिया करना है, जोड़ना है जोड़िए, घटाना है घटाना है, जैसा चिन्ह रहेगा। देखिए दो में से आठ घट गया तो कितना हो जाएगा, माइनस छ, बीस और छ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, छब्बीस, तीन में से चार घट गया तो माइनस एक, दस और नौ कितना हो जाएगा, उन्नीस। राइट, किसी को दिक्कत, ए बी का मान निकल गया, देख लीजिए ए बी का मान निकल गया, बोलिए समझ में आ गया। अब यहां पर आपको ऐसे ही मान लीजिए कि ए बी हम लिखे हैं, अब आपको कह रहे हैं कि बी सी निकाल लीजिएगा, आपको कह रहे हैं कि ए सी निकाल लीजिएगा, आपको कह रहे हैं कि बी ए निकाल लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा, आप जितना इस पर प्रेशर डालोगे ना, जितना इसको लोड दोगे ना, उतना बेहतर कर पाओगे आप, ठीक है, उतना ही अच्छा से आप सीखोगे, उतना ही अच्छा हो पाएगा आपके साथ, ठीक है। जब इस पर लोड नहीं दोगे ना, फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर तो गया बस, सीधे समझ लीजिए, आता राम जाता राम, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप कोशिश नहीं करोगे अपने से। देखिए तो बी सी ए सी सी ए, और मान लीजिए कि यहाँ पर हाँ सी ए, मान लीजिए कि आपको ऐसे निकालना है सी बी सी बी, ठीक है, तो इतना मान आपको निकाल लेना है, निकल जाएगा आपसे, ये गुना कर लीजिएगा आप आसानी से, जो हम आपको कह रहे हैं वो करना है, आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है, खुद से क्वेश्चन बनाना है, इस बात को याद कर लीजिए, अपने जेहन में डाल लीजिए कि खुद से आपको क्वेश्चन बनाना है। बात समझ में आ गया, यदि दिक्कत हो, यदि आपको दिक्कत हो तो आप जो है वैसे क्वेश्चन का यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हमें व्हाट्सएप जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, तो इस तरीके से आप गुना आसानी से कर पाएंगे, इतना गुना आपको कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी, कुछ क्वेश्चन जब देखेंगे तभी तो आप बना पाएंगे क्वेश्चन को। आइए चलिए कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन, जोड़ घटाओ गुना से संबंधित ही क्वेश्चन देखने वाले आज, ठीक है, और उसी पर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए भी दिया जाएगा, बहुत मजेदार तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए अगला जो सवाल आपका है कुछ इस टाइप का है, मतलब जोड़ ही है, ठीक है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, सिर्फ जोड़ ही है और आपको बस कह रहा है कि जोड़ दीजिए दोनों को, जोड़िए। जोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि संगत अव्यव को संगत अव्यव में जोड़ना है, ज्यादा कुछ कलाकारी थोड़ी करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एक अव्यव है, फिर यहां देखिए ये एक अव्यव है ऐसे पूरा ये, फिर यहां पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो टोटल सवाल आप बना पाएंगे खुद से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या, टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, देख लीजिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, यानी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी। इसके बाद देखिएगा यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहां पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी की जगह तो सी है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, टोटल क्लियर, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है। इसी में एक और सवाल आता है साइन कॉस वाला, देख लीजिए इसको भी देख लीजिए क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस दूसरा क्या है,
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां कॉस स्क्वायर एक्स, यहां साइन स्क्वायर एक्स, देख लीजिए। और कह रहे कि दोनों को आपस में जोड़ लो, जोड़ दो ना भाई, क्या दिक्कत है, जोड़ दो। जोड़ने के लिए कह रहे जोड़ दो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके आए, चलिए अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो वन होता है, फिर यहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, आ गया, कितना आसान है, बोलिए दिक्कत है नहीं ना, ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं और आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम गुना में होता है लेकिन वो भी नहीं होता है, नहीं होता है। आपने यदि बारीकी से बेसिक क्लास को देखा है तो आपको गुना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतने अच्छे ढंग से गुना को भी बताया गया। चलिए कुछ एक दो सवाल गुना का भी और कर लेते हैं, बाकी बात सवाल तो आप लोग को खुद बनाना है। हाँ, यहीं पर नहीं रुकेगा, इसमें कुछ और चीज हम आपको बताने वाले हैं, इसी वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि अगले दिन हमारा जो है एक न्यू जो अगला एक्सरसाइज है वो शुरू हो जाएगा, यानी अभ्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कल से शुरू होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस पर आप लोग क्वेश्चन को जरूर बना लेंगे सभी लोग, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा, मजेदार तरीके से, जितना ज्यादा से ज्यादा हो क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और हो सके तो ऐसे ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए, आवश्यकता पड़े तो नोट कर लीजिए, यदि आपको ऐसा लग जाए कि नोट कर लेना ठीक है तो कर लीजिए, अन्यथा आप वीडियो को रोक कर पहले क्वेश्चन को देखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, यदि बन गया ठीक है, नहीं बना तो एक बार मिला लीजिए, ठीक है। हाँ, ये सब आपको करना है, पढ़ना है तो यह सब करना है, और बिना पढ़े कुछ हो नहीं सकता, आप जितने कहा जाए कि जितना आपको जरूरत है आपको स्वस्थ, ये स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, यदि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं, वही बात है कि जब आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे या शरीर का ध्यान रख पाएंगे, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है, बहुत ही जरूरी चीजें हैं आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए ये दो अभी वो आपका है, सबसे पहली चीज तो आप कोटि क्लियर कर लीजिए एक बार, देखिए कहता है दोनों को गुना करना है, तो गुना करने के लिए आपको बताया है कि जितना इसके पंक्ति में अव्यय होगा उतना ही स्तंभ में अव्यय होना चाहिए, तो गुना कर सकते हैं आप, पंक्ति में एक अव्यय है, स्तंभ में भी एक अव्यय है, आप आसानी से गुना कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। गुना करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि पहले पंक्ति एक को पकड़ना है, एक पंक्ति को पकड़ना है और इस पंक्ति को उठाकर ऐसे लाना है और इस पर ऐसे करके रख देना है, तो देखिए जब दो के साथ ले जाएंगे एक को तो कितना हो जाएगा, दो को एक से गुना करेंगे दो, अब नीचे कोई है नहीं, इधर भी कोई नहीं है, तो ये आपका काम खत्म हो गया। फिर इसी पंक्ति को उठाकर यहां दूसरे पर लाएंगे, तीन को एक से गुना करेंगे तीन, फिर इसी पंक्ति को उठाकर अगले स्तंभ पर लाएंगे तो कितना होगा, चार को एक से गुना करेंगे चार, आपका इधर स्तंभ खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब आ जाइए इस पर, इसका क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और फिर वैसे ही रख देंगे तो कितना हो जाएगा, दो दुना चार, फिर देख लो बाबू ये तीन दुना छ, फिर हो जाएगा चार दुना आठ, ये हो जाएगा आपका कितना, तीन दुना छ, तीन तीय नौ और तीन चौके बारह, ये आपका निकल गया, ये दोनों का गुणनफल है, ठीक है, ये दोनों का गुणनफल निकल गया आसानी से, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, गुना वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसानी से गुना कर पाएंगे आप, जैसे हम आपको बता दिए वैसे ही क्रिया करना है। एक और गुना देख लेते हैं, एक और गुना देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहां पर कुछ ऐसा है, ध्यान देना बाबू, माइनस थ्री माइनस सॉरी थ्री माइनस वन और फिर थ्री, इसके बाद माइनस वन जीरो टू, ठीक है माइनस वन जीरो टू, और इसमें आपको गुना करना है पहली चीज। अच्छा बताइए, हम एक बात यदि आपसे पूछे कि एक ऐसा मैट्रिक्स यहां लिखना चाह रहे हैं उसके अस्तंभ में कितने अव्यय होना चाहिए, आपका दिमाग तुरंत यह कहेगा कि इसके पंक्ति में तीन गो अव्यय है तो अस्तंभों में तीन गो अव्यय लिखिए,
तीन को से कम लिखिएगा तो गुने नहीं हो पाएगा, बुझ रहे हैं। चलिए हाँ, चाहे स्तंभ में तीन अवयव लिखने के बाद आपको जय गो स्तंभ लिखने का मन है उतना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्तंभ में तीन गो अवयव जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, दो एक तीन, माइनस तीन जीरो और एक, ठीक है। अब ये दोनों को आपस में गुना कर लेना है, कर लीजिए ना गुना, क्या फर्क पड़ता है। क्या बोले हैं कि एक बार ऐसे पंक्ति को उठाना है यहां से और इस पर ऐसे डाल देना है, जो जिसके सामने जाएगा उसको उसी के साथ गुना कर लेना है। तो देखिए, जब इसको यहां से उठाएंगे तो समझ लीजिए कि तीनों जो है इसमें सट गया, और इसको यहां से ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले जाके ये पर छोड़ दिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, तीन जाएगा दो के साथ, यानी कितना हो जाएगा, ये प्लस है यहां भी प्लस, तो तीन दूनी छ, इसके बाद ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, एक को एक से गुना करेंगे तो एक, फिर देखिए तीन तिहाई नौ, गुना कर लिए, किसी को दिक्कत। अब फिर क्या करेंगे कि इसी पंक्ति को, यानी पंक्ति नंबर एक को ही उठाकर फिर दूसरे पर रख देंगे, ऐसे इसको उठाकर ऐसे ले जाएंगे ऐसे ले जाकर पटक देंगे यहाँ, हाँ, तो कितना हो जाएगा, तीन जाएगा माइनस तीन के साथ तो माइनस नौ, माइनस एक जाएगा जीरो के साथ तो जीरो, माइनस जीरो हो जाएगा। इसके बाद ये तीन जाएगा एक के साथ तो कितना हो जाएगा, तीन, अब तो दूसरा उधर है नहीं तो इसका काम हो गया खत्म। ठीक है, अब आ जाओ बाबू, अब फिर क्या करना है कि दूसरे पंक्ति को यहां से ऐसे उठाना है और इस पर ले जाके ऐसे पटक देना है, तो माइनस एक जाएगा दो के साथ यानी माइनस दो, जीरो जाएगा एक के साथ यानी जीरो, और तीन दुनी छ, फिर इसी पंक्ति को उठाकर इस पर रख देना है, माइनस माइनस प्लस, तीन को एक से गुना करेंगे तीन, फिर जीरो और जीरो को गुना करेंगे तो जीरो, और दो और एक को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो, देख लीजिए हो गया गुना, जोड़ घटाव कर दीजिए, गुना हो गया, कितना हो जाएगा, नौ, ये नौ छ पंद्रह, पंद्रह में से एक घट गया तो कितना आ जाएगा, चौदह, देखिए माइनस नौ और प्लस तीन घट के हो जाएगा माइनस छ, यहां देखना बाबू, छ में से दो घट गया तो कितना आ जाएगा, चार, तीन और दो कितना हो जाएगा, पांच, ये देख लो बन गया, कितना आसानी गुना हो जाएगा, बोलिए, किसी भी गुना को आसानी से बना पाएंगे आप। ठीक है, एक और सवाल कर लें, अलग टाइप का सवाल है, एक और सवाल कर लेते हैं, बाकी सवाल आपको बनाना है, एक और सवाल कर लेते हैं, बाकी सवाल आपको बनाना है अब। ठीक है, इस सवाल के बाद आप लोगों को खुद सवाल बनाना है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगला टाइप का जो सवाल है वो कैसा सवाल होगा, देखिए ये जो सवाल है ऐसे कोई अलग टाइप का सवाल नहीं, देखने में केवल बड़ा है, आपके सामने पड़ेगा तब कहेगा नहीं बनाएंगे इसको, हाँ मालूम है, आप छोड़ दीजिएगा, कहेगा बहुत बड़ा सवाल है, कुछ नहीं है, जो यहां पर क्रिया आपको करने के लिए कह रहा है कि ऐसी क्रिया कीजिए, बस आप कर लीजिए ना, वैसे ही कह रहा है कि जब आपका एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, तो कहता है कि मैट्रिक्स ए में तीन से गुना कर दीजिए, मैट्रिक्स बी में पांच से गुना कर लीजिए और दोनों को घटा लीजिए, सिंपल है, देख लीजिए जैसे जैसे कह रहा है, थ्री इंटू ए, आ जाओ पहले, आ जाओ भाई, एक बट्टा तीन, सात बट्टा तीन, एक, दो बट्टा तीन, दो, पांच बट्टा तीन और चार बट्टा तीन, फिर दो बट्टा तीन, माइनस फाइव, फिर बी का मान दो बट्टा फाइव, थ्री बाई फाइव, वन, वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, फोर बाई फाइव, सेवन बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव, टू बाई फाइव, ठीक है, देख लो ये हो गया। अब करना क्या आपको, कि तीन से सब में गुना कर लेना है, इधर पांच से गुना कर लेना है, तो जैसे ही आप गुना करेंगे क्या आएगा, इधर देख लो भाई, तीन से गुना करेंगे तो बट्टा वाला तीन हटेगा, यहाँ बट्टा में तीन आ जाएगा, फिर बट्टा वाला तीन हटेगा, यानी आपका आ जाएगा दो, यहां आ जाएगा एक बट्टा तीन, यहां आ जाएगा पांच, बट्टा वाला तीन हट जाएगा, ठीक है, ऊपर गुना करेंगे बट्टा वाला तीन हट जाएगा, वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा फोर, ठीक है, बस ऐसे ही आप बारी बारी से टोटल क्वेश्चन को देख पाएंगे, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। ठीक है, देखिए तो यहां आ जाएगा चार, फिर यहां तीन से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सात, दो बट्टा तीन और फिर दो, तो लिखेंगे सात, दो बट्टा तीन और फिर हाँ दो, इसके बाद माइनस, अब इधर पांच से गुना करना है
तो पांच कट जाएगा दो, यहां तीन, यहां एक बट्टा पांच, दो तीन एक बट्टा पांच, पांच कट जाएगा तो कितना होगा वन टू फोर सेवन, देख सकते हैं ना सिक्स टू। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको घटा लेना है, सिंपल घटा लेना है, किसको, संगत वाला को संगत वाला में से, यानी दो में से दो घटेगा। थोड़ा सा लिख ही लीजिए, दो माइनस दो एक बट्टा तीन में से, यहां देखिए इसका तीन है ना, तो वन बाई थ्री माइनस थ्री, यहां देखिए पांच में से घटेगा एक बट्टा पांच, तो पांच माइनस एक बट्टा पांच, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक में से एक घटेगा यानी वन माइनस वन। इसके बाद यहां देखिए दो में से दो घटेगा तो कितना हो जाएगा दो माइनस दो, चार में से चार घट गया तो चार माइनस चार, ठीक है। यहां देखिए सात में से सात घट गया तो कितना हो जाएगा सात माइनस सात, यहां देखिए दो बट्टा तीन में से छह घट गया, और फिर इसके बाद दो में से दो घट गया। अब घटा लो, आप घटा लो, घटाओ तो करने आता है आपको, यहां घटा लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, तो अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है। एक वीडियो और आएगा इसका, जिसमें हम लोग समीकरण के रूप में जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, इस पर विचार करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है कि जितने भी टाइप का क्वेश्चन अभी हम आपको बता दिए हैं, टोटल क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आपको सबसे पहला काम यही करना है कि टोटल का टोटल क्वेश्चन खुद से बनाना है, अपने से क्वेश्चन बनाना है, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार प्रयास किए नहीं बनाओ छोड़ो हटाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन को एक बार नहीं बनेगा फिर दोबारा बनाइए, तनी सनी कुछ खा लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर बैठिए, फिर बनाइए, मेहनत कीजिए, तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो आप खुद से जितना ज्यादा खुशी होगा ना आपको, फिर आप अपने आप से मोटिवेट हो सकते हैं। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं, ना कोई यूट्यूबर कर सकता है, ना कोई कोई नहीं कर सकता आपको मोटिवेट, आप खुद से मोटिवेट होंगे। और इसका एक साधारण सा रास्ता है कि आप खुद से मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको अपने आप मिलेगा कि अरे सब कोई नहीं पढ़ रहा, हम तो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अलग यानी यूनिक टाइप आपको आपके माइंड में लगेगा। और जब आपको लगेगा कि हम बिल्कुल अलग हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आप बिल्कुल पॉजिटिव सी चीज सोचेंगे। और जब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो आप बिल्कुल एक अलग हो जाएंगे, और अलग होकर आपके अंदर जो एक पढ़ाई का भावना है, जो आपके अंदर पढ़ाई की एक जिज्ञासा है, वो जग जाएगी। और जिस दिन आपके अंदर ये जग गया, उस दिन से फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा एक अच्छा बनने में, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक पाएगा एक अच्छा स्टूडेंट बनने में, एक टॉपर स्टूडेंट बनने में, और एक जगह पहुंचने में। और आपके जो दोस्त होंगे, अभी बहुत सारे बच्चों का क्या कंडीशन चल रहा है, अरे लॉकडाउन है, क्या करना है, कैसे पढ़ाई लिखाई, तो कुछ हो नहीं रहा है, चलो कुछ नहीं, चलो यूट्यूब पर कुछ देखते हैं, चलो वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है चलाओ। वो सभी दोस्त तुमको कभी काम नहीं देंगे, जितने भी दोस्त हैं ना, जब असफल हो जाओगे ना तुम, जब वहां पर आपका जो रास्ता है ना, वो रास्ता जब आपका बंद हो जाएगा ना, तो फिर वही दोस्त आप पर हंसेंगे भी, ठीक है। वही दोस्त आप पर हंसेंगे ही, जब आपका समय निकल जाएगा तो वही दोस्त आप पर हंसेंगे, वही आपके दुश्मन भी बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए उन दोस्त को छोड़िए भी, और जो आपका काम है उस काम में लग जाइए। जब आप मंजिल पर पहुंचेंगे, सारे दोस्त आपके अपने हो जाएंगे। जब आप असफल हो जाएंगे तो बने हुए दोस्त बिगड़ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है और ये जिंदगी की सच्चाई है, ये आपके लाइफ की सच्चाई होती है कि बने बिगड़े जितने भी दोस्त बने हुए हैं वो सब बिखर जाएंगे जब आप असफल हो जाएंगे। और जितने भी छूटे हुए दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, वो सब आपके साथ जुड़ जाएंगे जब आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो सफलता की सीढ़ी को पहचानिए और उस पर चलने का प्रयास कीजिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी निश्चित रूप से, यदि आपने दिल से और तमन्ना से मेहनत की है तो, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।